स्टूडेंट एंड वेलकम टू कोड फैक्ट्री बाय राज एट न्यूटन स्कूल। आई एम राज कपासिया, एजुकेटर एट न्यूटन स्कूल। सो लेट्स स्टार्ट। सो न्यूटन स्कूल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप जॉब ग्रैब कर सकते हैं। आपको अगर अपनी मतलब प्लेसमेंट नहीं हुई, आपको प्लेसमेंट लेनी है, आपको जॉब ग्रैब करनी है या आपको अपनी जॉब स्विच करनी है, तो आप न्यूटन स्कूल की हेल्प से कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, बेसिकली 6 मंथ्स का एक प्रोग्राम होगा जिसमें आपको फुल स्टैक डेवलपमेंट सिखाई जाएगी, उसके बाद आपकी प्लेसमेंट होगी। सो एक चीज जो मुझे न्यूटन स्कूल के बारे में बहुत अच्छी लगती है वो है जीरो फी टिल प्लेसमेंट। तो आपसे कोई फी चार्ज नहीं करेगा न्यूटन स्कूल, जीरो फी टिल प्लेसमेंट। प्लेसमेंट होने के बाद अगर आपको मिनिमम 5 लाख का पैकेज लगता है तो ही न्यूटन स्कूल आपसे फी चार्ज करेगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो आज की जो हमारी वीडियो है वो है फाइंड द मैक्सिमम नंबर यूजिंग फंक्शन। ओके, सो हम लेट्स क्रिएट द प्लेग्राउंड। मैक्सिमम नंबर यूजिंग फंक्शन। सो यहाँ पे हमारा प्ले ग्राउंड बन गया है। सो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे लैंग्वेज चेंज करनी है, वो करनी है C++। सो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे हैश इंक्लूड IO stream std int main। okay, so यहां से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ लाइक नंबर लेंगे, एक एंड दो नंबर जिनमें से हमें मैक्सिमम नंबर फाइंड करना है, एंड ए कॉमा बी। इन दोनों नंबर का हम इनपुट लेंगे। ए आप एक लाइन में दो इनपुट भी ले सकते हैं C++ में। ओके, सो इसके बाद हम क्या करेंगे, इनको लाइक एक फंक्शन में पास करेंगे और वैल्यू जो है हम गेट करेंगे मैक्सिमम, मैक्स इक्वल्स टू मैक्सिमम मैक्सिमम ए कॉमा बी। सो ये जो फंक्शन हमारा मैक्सिमम फंक्शन बनाएंगे, जो वेरिएबल मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो हमारी मैक्स में स्टोर होगी। सो यहाँ पे हम सी आउट कराएंगे द मैक्सिमम वैल्यू एस, जो भी वैल्यू मैक्सिमम होगी उसे हम लाइक सी आउट कराएंगे। सो यहाँ पे हमारी मैक्स को हम लिख देते हैं। ओके, सो अब हमें एक फंक्शन बनाना है जिसका नाम मैक्सिमम होगा और उसका रिटर्न टाइप क्या होगा, इंट, क्योंकि जो यहाँ पे जो वैल्यू गेट करा है वो इंट है। int maximum int a, तो दो वेरिएबल्स यहाँ पे आ रहे हैं int a और int b। सो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। सो हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। सो इफ a इज ग्रेटर देन b, ये प्रोग्राम हमने किया हुआ जब हमने ये स्टार्ट करा था, दिस इफ एल्स, सो रिटर्न a, एल्स रिटर्न बी। सो यहाँ पे हमने क्या किया, मैं प्रोग्राम एक्सप्लेन करता हूँ आपको। मैंने डायरेक्टली रिटर्न करा दिया, मैंने किस कोई थर्ड वेरिएबल नहीं लिया है कि जिसमें मेरे को पता लगे कि मेरे को रिटर्न कराना है, मैंने डायरेक्टली रिटर्न करा दिया। यहाँ पे अगर ए बड़ा है बी से तो ए रिटर्न हो जाए, बी बड़ा है तो बी रिटर्न हो जाए। मैंने किसी थर्ड वेरिएबल में स्टोर नहीं कराया है और तब मैंने रिटर्न नहीं कराया। सो यहाँ पे मैं वैल्यू डालता हूँ 12 एंड 13 और इसको रन करते हैं। सो द मैक्सिमम वैल्यू इज 13। आप देख सकते हैं प्रोग्राम प्रॉपरली रन कर रहा है। और यहाँ पे क्या होता है, अगर इफ ए इक्वल्स टू बी अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, रिटर्न पे आ जाता है, तो मतलब आगे फंक्शन हमारा नहीं चलेगा अगर ये कंडीशन रिटर्न करा देती है कुछ वैल्यू, क्योंकि आगे वाली वैल्यू चेक नहीं होगी। यहाँ पे रिटर्न हो चुका है, यहाँ पे फंक्शन हमारा एंड हो चुका है। जहाँ पे भी रिटर्न वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती है वहीं हमारा फंक्शन एग्जीक्यूट मतलब एंड हो जाता है। ओके, सो दिस इज आवर लाइक मैक्सिमम वैल्यू यूजिंग फंक्शन। सो थैंक यू।